हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉम ब्यूटी और मैं हूं मनीषा, आपकी दोस्त। इस वीडियो को आप पूरा देखना और अगर आपको इतना सा भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर देना और कमेंट में भी लिखना कि आप लोगों को कैसा लगा, और अगर आपका मन चाहे तो शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज मैं बात करने वाली हूँ माई टॉप 5 फेस वॉशेस के बारे में फ्रॉम द इंडियन मार्केट। सो स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मलबरी एंड रोज VLCC फेस वॉश के बारे में। ये विथ लेमन एंड ऑरेंज एक्सट्रैक्ट रिड्यूस ब्लेमिशेस एंड प्रोवाइड्स अ फेयरर कम्प्लेक्शन। फेयर कम्प्लेक्शन तो खैर पता नहीं, लेकिन आपकी स्किन को ये ब्राइट ज़रूर करता है इमीडिएटली। पर इसका एक बहुत बड़ी माइनस पॉइंट भी है कि इसमें थोड़ी सी पैराबन भी है। तो रोज़ अगर आप यूज़ करोगे तो ये प्रोडक्ट आपके लिए सही नहीं है। अगर आप वीकली 2 या 3 दिन तक यूज़ करोगे तो फिर आप इसे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं करती हूँ। बहुत ही अच्छी फेस वॉश है, लेकिन आप इसे अगर यूज़ करोगे तो आपका स्किन थोड़ी सी ड्राई लग सकती है। अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हुए तो फिर आप अपने स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर कर लेना। अब बात करेंगे हिमालया हर्बल्स का डीप क्लींजिंग एप्रिकट फेस वॉश के बारे में। ये भी एक बहुत अच्छी फेस वॉश है, आपके स्किन को रिजुविनेट भी करता है और थोड़ी सी स्क्रबिंग पार्टिकल्स भी है। सो स्क्रबिंग का पार्ट भी इसमें मौजूद है। आप महसूस करोगे कि आपके स्किन को एक्सफोलिएट कर रहा है ये, लेकिन इसमें पैराबन तो बिल्कुल भी नहीं है। ये हर्बल प्रोडक्ट है, एलोवेरा भी है, लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट है, ये बहुत स्किन को ब्राइट करने के अलावा भी बहुत ज़्यादा ड्राई कर देती है। सो अगर आप ड्राई स्किन हो, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो, तो मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलना इसको यूज़ करने के इमीडिएटली बाद। अब बात करेंगे बायोटिक बायो वाइट फेस वॉश के बारे में। ये एक बहुत अच्छी फेस वॉश है, आप इसको रेगुलरली यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेगा आपका स्किन और ये आपका सन टैन डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है। मैं ज़रूर इसको रेकमेंड करूँगी, आप लोग रोज़ाना इसे ज़रूर यूज़ करना। और ये बिल्कुल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और इसमें बिल्कुल भी पैराबन नहीं है। बहुत अच्छी फेस वॉश है। अब मैं जिस फेस वॉश के बारे में बात करूँगी, मुझे पता नहीं आप लोगों ने उसके बारे में सुना होगा कि भी नहीं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ एक बार एटलीस्ट इसको ज़रूर ट्राई करना। ये है वादी का सन शील्ड सैफ्रन फेस वॉश। बहुत अच्छी फेस वॉश है, आपके स्किन को ज़्यादा ड्राई नहीं करता, आप इसको रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हो। और इसका प्राइस भी ह्यूज नहीं है, ये 60 रुपीज़ का है, 60 रुपीज़। वाओ, इसे आप ज़रूर यूज़ करना। और ये भी बिल्कुल हर्बल प्रोडक्ट है, बिल्कुल भी पैराबन फ्री है। और इसको लगाने के बाद आप अपने स्किन को बहुत ही सॉफ्ट और ग्लोइंग महसूस करोगे, ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। इसे ज़रूर ट्राई करना। अब बात करेंगे उस फेस वॉश के बारे में जिसके बगैर मैं अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती। हाँ, और वो है ये, इसका नाम है ahaglow फेस वॉश। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, ये मुझे मेरे स्किन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था। हाँ, ये थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड है कंपेयर टू दोज वंस। वो सारा जो फेस वॉश था बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में था। इसका प्राइस है 389 रुपीज़ 100 ml के लिए। मैं जब इसको दुकान में, ये मेडिकल सेंटर में मिलता है, मेडिकल शॉप में मिलता है, मैं जब इसको ट्राई करने वाली थी मैंने भी कंफ्यूज्ड थोड़ा सा हेजिटेट तो किया था कि 400 रुपये मैं एक फेस वॉश के लिए दे रही हूँ, काम करेगा के भी नहीं, इज़ इट वर्थ
थोड़ी सी हेजिटेट कर रही थी, तो मैं अपना जो डॉक्टर है उसको फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक ट्यूब तुम यूज़ करके ज़रूर देखो, उसके बाद बोलना। तो मैंने एक ट्यूब ट्राई किया और सच में बोल रही हूँ, मैं इसे 2 साल तक यूज़ किया हूँ, एक भी दिन मिस नहीं किया मैंने, एक भी दिन नहीं। 2 साल तक मुझे मेरे स्किन पे एक भी छोटा सा पिंपल्स नहीं दिखे, टच वुड। मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम तो पहले भी नहीं थी, लेकिन एक दो तो उठ ही जाते थे कभी कभी, लेकिन 2 साल से इसको लगातार मैं यूज़ करती हूँ हर रोज़, एक भी पिंपल नहीं आए मेरे स्किन पे, टच वुड, टच वुड, टच वुड। सो आप लोग प्लीज़ मेरे कहने पर ही एक बार तो इसको ज़रूर यूज़ करना, इसमें स्किन रिजुविनेटिंग पार्टिकल्स भी है, और अगर आप एक ही बार इसको यूज़ करोगे ना तो ही आप देख पाओगे कि आपके स्किन नेचुरली ग्लो कर रही है एक ही वॉश में। आप लोग एक ट्यूब यूज़ करने के बाद इसको छोड़ ही नहीं पाओगे, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। प्लीज़ इसको यूज़ करो और मुझे कमेंट में बताना आप लोग अगर इसे यूज़ करते हो, बहुत सारा जन यूज़ भी करते हो मैं जानती हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स इसे प्रेस्क्राइब करते हैं। अगर आपके नॉर्मल टू ऑयली स्किन है तो फिर ये आपके लिए बहुत ही सही है, अगर आपका वेरी ड्राई स्किन है तो इसको लगाने के बाद आप थोड़े से सीरम या फिर मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगा लेना, और अगर आप नॉर्मल टू ऑयली स्किन हो तो फिर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी तरह कॉम्बिनेशन स्किन भी हो कुछ भी हो, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर ड्राई स्किन हो तो ही आप एक मॉइस्चराइज़र लगा लेना। ये आपके स्किन को रिजुविनेट करता है, अंदर से प्योरीफाई करता है और रिफ्रेश भी रखता है, तो और क्या चाहिए। सो प्लीज़ इसे एक बार ट्राई करना, और अगर आप ट्राई ऑलरेडी कर चुके हो तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। मैं सारे फेस वॉश के प्राइस और जो अमाउंट है वो यहाँ पर लिख दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप ज़रूर चेक करना, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ अगर आपने इस वीडियो को थोड़ा सा भी पसंद किया है तो इसको बड़ा सा लाइक दे देना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आप कौन से फेस वॉशेस यूज़ करते हो अपने अपने लाइफ में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।